डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी हैव डन एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3 ऑफ यूनिट नंबर 3 इन वीक 7। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस। हेडिंग फीचर्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस। आंसर, फर्स्ट हेडिंग प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द प्रेजिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नंबर सेकेंड हेडिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल। एन इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल वॉज सेट अप टू आइडेंटिफाई अन इस्लामिक लॉज एंड टू अमेंडेड देम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल। थर्ड हेडिंग इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। एन इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेजिडेंट एंड द मेम्बर्स ऑफ प्रोविजनल एंड नेशनल असम्बलीज वॉज इंट्रोड्यूस। फोर हेडिंग सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वॉज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 4 इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस। हेडिंग इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हेडिंग डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ मुस्लिम इज हु, नंबर 1 बिलीव इन द यूनिसिटी ऑफ अल्लाह, नंबर 2 बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। नंबर सेकेंड हेडिंग ऑफिशियल रिलीजियस। इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। नंबर थर्ड हेडिंग मुस्लिम्स हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट विल बी मुस्लिम्स। नंबर फोर हेडिंग रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज। इट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड दैट गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विल बी मेड विद इस्लामिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4 लाइन्स ऑन आवर रूल फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। हेडिंग आवर रूल फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट हेडिंग हार्ड वर्क। वी शुड वर्क हार्ड टू मेक आवर सेल्फ एंड आवर कंट्री प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरियस। नाउ सेकेंड हेडिंग सीकिंग एजुकेशन। ऑल द पाकिस्तानीज शुड get good education as a good education is also necessary for making progress. Number third heading patriotism. We should be patriotic to our country. To have love for one's country is the part of our religion. Number four heading social justice. Justice is also necessary for progress. We should establish a system of government based on justice. Okay students, Allah Hafiz.